नंबर्स को अगर आप देखेंगे ऑन दी फेस ऑफ इट, हमने देखा नतीजे कमजोर थे, रेवेन्यूज ऑफकोर्स इन लाइन थे, लेकिन साथ ही मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर बिलो एक्सपेक्टेशंस नतीजे नजर आए। तो चलिए नतीजों को लेकर HCL टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से बातचीत कर दी जाए। कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका इटना स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। 1% के डिक्लाइंस हमने देखे हैं Q1 रेवेन्यूज में, और इसी के साथ आस्क रेट की अगर बात करें अगले 3 quarters के लिए ये 2.5 से 3.5% जो कि गाइडेंस के हिसाब से वहां पर पहुंचता हुआ दिखेगा, डिस्पाइट वीक कमेंट्री जो कि देखने को मिली है। कंसर्न्स कई सारे थे, मैक्रो अनसर्टेनिटीज भी हैं IT सेक्टर के लिए ओवरऑल। क्या आपको लगता है और क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको इस गाइडेंस को अचीव करने के लिए? जब हम T20 का मैच खेलते हैं तो पहले 5 ओवर से मैच में क्या होने वाला है थोड़ा मालूम चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैच पहले 5 ओवर में जीत गए या हार गए, राइट? तो उसी तरह से अभी पहला क्वार्टर हुआ है, हमारा पाइपलाइन सबसे ज्यादा है इस समय, पिछले एक साल में 26% ग्रोथ, पिछले एक क्वार्टर में 18% ग्रोथ, और उसमें जो डील्स है सम ऑफ द डील्स आर इन एडवांस स्टेज, तो इस वजह से हमें कॉन्फिडेंस है कि सेकेंड क्वार्टर में हमारी डील बुकिंग काफी स्ट्रांग रहने वाली है, और उसके वजह से सेकेंड हाफ में रिवेन्यू काफी अच्छी आने वाली है। तो उसके बेसिस पे और जितनी भी हमारी डील पाइपलाइन है, जो हमारा ऑनगोइंग काम है हम कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, जो हमारा ऑनगोइंग रेवेन्यू रन रेट है, वो सब अकाउंट फॉर करते हुए वी हैव स्टिल रिटेन्ड द रेवेन्यू गाइडेंस एट 6-8% फॉर द कंपनी and 6.5% to 8.5% for the services business, and the ask rate has gone up, but we are still confident of meeting the numbers. ठीक है, प्रतीक जी नमस्कार। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि डील पाइपलाइन जो है काफ़ी दमदार है, काफ़ी मजबूत है, लेकिन पिछली तिमाही में हमने देखा है कि जो डील विंस है उसमें करीब करीब 25% के आसपास की तिमाही आधार पर गिरावट है, और आप शायद ये बता रहे हैं कि इसमें जो कन्वर्जन को लेकर जो डिले हुआ है उसका असर आया है। आप जरा इसको समझाइए कि अभी स्थिति क्या है और आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वो कहाँ से मिल रहा है? देखिए, क्या होता है कि हर चीज एग्जैक्टली उस डेट को नहीं होती जब जो आपने प्लान किया है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, कुछ कस्टमर्स के हाथ में होता है, कुछ नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। सो एट दिस स्टेज एट द एंड ऑफ जून दिस इज व्हाट वी हैड एज डील विंस, 1.6 बिलियन डॉलर्स। हमारा रन रेट नॉर्मली 2-2.2 बिलियन रहा है, बट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द पाइपलाइन एंड द एडवांस स्टेज ऑफ द डील्स दैट वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट वी विल मेक इट अप इन द सेकेंड क्वार्टर। सो दैट इज ऑल आई कैन टेल यू एट दिस पॉइंट टाइम। ओके मिस्टर अग्रवाल, रेवेन्यूज और प्रॉफिट के साथ साथ मार्जिन्स के फ्रंट पर भी हमने डिप देखा है, 18% से 16.8% पर जाते हुए दिखे हैं। आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी, 18-19% के मार्जिन लेवल्स को क्लॉबैक करने की स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे? सो 17% है हमारा मार्जिन, एंड बाय द वे पिछले जून क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज आल्सो 17%, सो इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी फार ऑफ फ्रॉम द मार्जिन बैंड। We have achieved it last year, and हमने already actions ले लिए हैं, couple of actions हमने कल announce भी किए थे। सबसे पहले जो हमारे senior management, senior mid senior management के लोग हैं उनके लिए इस बार कोई increment नहीं दिया जाएगा,
टिपिकली वो सेकेंड हाफ में दिया जाता है, जो कि इस बार नहीं होने वाला है। और जो कि जूनियर स्टाफ है उनका नॉर्मली हम 1 जुलाई से देते हैं, वो इस बार डिफर कर दिया गया है और उसको हम अक्टूबर में जाके देखेंगे कि कितना देंगे। सो वो भी इस क्वार्टर में हिट नहीं करेगा, उसका इंक्रीमेंट अगले सेकेंड हाफ में आएगा लेकिन फर्स्ट हाफ में नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एक्शंस प्लान्ड हैं, डिफरेंट लाइन आइटम्स ऑफ द P&L, उन सब पे एक्शन चल रहा है एंड दैट इज व्हाट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस दैट वी विल स्टिल बी इन द 18-19% मार्जिन बैंड। ठीक है, शुक्रिया प्रतीक जी नतीजों पर बातचीत करने के लिए। यहाँ से आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है और कंपनी का भविष्य कैसा है, इस पर हमें गाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।